फिक्स एक्सचेंज रेट्स स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पर इससे पहले हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिस्कस किया था तो फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो हिस्टोरिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं दुनिया में फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही प्रिवेल करता था पाकिस्तान ने नाइनटीन में इसे छोड़ा पहले पाकिस्तान ने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को अडोप्ट किया और फिर उसके बाद 1999 में मार्केट बेस्ड जो एक्सचेंज रेट है फ्लेक्सिबल उसको इख्तियार किया इसी तरह अमेरिका में भी 1970 से पहले ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही था तो अमेरिका ने इसे नाइनटीन में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडोप्ट कर लिया सो so, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ मुल्कों में ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मौजूद है तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है और इस, इसमें इसके हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि बट द ऑफिशियल रेट डिफर्स फ्राम द रेट डिटर्मन बाई सप्लाई एंड डिमांड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है कि मुल्क का सेंट्रल बैंक वो अनाउंस करता है जबकि फ्लैक्सीबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये मार्केट फोर्सेज जो हैं डिमांड एंड सप्लाई की ये ये डिटर्मन करती हैं तो इफ़ द ऑफिशियल रेट इज़ डिफरेंट फ्राम द रेट विच इज़ डिटर्मन बाई द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स सो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स से जो रेट डिटर्मिन करते हैं उसको फंडामेंटल वैल्यू ऑफ़ द एक्सचेंज रेट कहते हैं तो अगर ये फ़ंडामेंटल वैल्यू से जो ऑफिशियल रेट है अगर उससे डिफरेंट है तो उसका क्या फिर सूरत हाल होगी उस पर आज हम बात करेंगे इस डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि ये आपका डिमांड कर्व है ओके okay? ये सप्लाई कर्व है तो फंडामेंटल वैल्यू डिटर्मन होती है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं सो दिस इज़ द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट लेकिन अगर ऑफिशियल एक्सचेंज रेट इससे हायर है इफ़ दिस इज़ द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट तो इस पर क्या सूरत हाल है इस पर सूरत हाल ये है कि डिमांड कितनी है करेंसी की इस ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर ए और सप्लाई कितनी है बी तो ए बी जो है ये आपके पास एक्सेस सप्लाई है इस हायर रेट पर तो ऑफिशियल रेट जो है आपका आपकी करंसी जो है इस सूरत हाल में ओवर वैल्यूड आपका एक्सचेंज रेट है तो इसका फिर इम्पेक्ट क्या होगा कि जब आपकी सप्लाई ज़्यादा है उस पर और डिमांड उसकी कम है सो वैन द ऑफिशियल रेट इज़ अबव इट्स फंडामेंटल वैल्यू द करेंसी इज़ हेड टू बी ओवर वैल्यूड तो इसका सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन तो ये है कि द कंट्री को डी वैल्यू द करेंसी रिड्यूसिंग ऑफिशियल रेट टू द फंडामेंटल वैल्यू सिंपल बात तो एक ही है कि जो अबव है मार्केट वैल्यू uh, से तो उसको कम कर दें और मार्केट के बराबर उसे लें सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दे और और ऑप्शन क्या है द कंट्री कोड रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ इट्स करेंसी टू द फॉरन एक्सचेंज मार्केट दस रेजिंग द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ़ द एक्सचेंज रेट कि ये जब ओवर वैल्यूड है तो इस पर क्या है कि सप्लाई ज़्यादा है ओके okay? सप्लाई को अब कैसे कम किया जा सकता है कि जो मुल्क है वो अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे किसी तरह से उन पर उनको डिसक्रेज करे और उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करके वो अपनी करेंसी की सप्लाई को यानी अपनी इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे उस पर पबंदियाँ लगा दे या और तरीकों के जरिए से वो अपनी सप्लाई को इंटरनेशनल मार्केट में इसको करेंसी की सप्लाई को कम कर सकता है तो इसके नतीजे में फंडामेंटल जब सप्लाई कर कम लेफ्ट शिफ्ट होगा तो डिमांड एंड सप्लाई की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसमें इजाफा हो जाएगा एक्सचेंज रेट में इजाफा हो जाएगा इफ़ अ कंट्री प्रोबिट्स पीपल फ्राम ट्रेडिंग द करेंसी एट ऑल द करेंसी इज सेट टू बी इन इन कन्वर्टिबल तो ये एक्सट्रीम केस इसमें क्या है पहले तो हमने ये कहा कि जस्ट उसको रिस्ट्रिक्ट करता है टू समस्टेंट ठीक है उस पर कुछ रुकावटें आयद हो जाती लेकिन वो अगर उसे कम्प्लीटली प्रोहबिट कर देगा कि ये आप नहीं कर सकते तो ऐसी करेंसी को फिर इन कन्वर्टिबल करेंसी कहते हैं और ऑप्शन क्या है गोरमेंट कैन सप्लाई आई डिमेंड द करेंसी टू मेक द फंडामेंटल वैल्यू इक्वल टू द ऑफिशियल वैल्यू कि वो जो डिफ्रेंस है उस डिफरेंस को आप गवर्नमेंट उसको पूरा कर दे इफ़ द करेंसी इज़ ओवर वैल्यूड द गवर्नमेंट कैन बाय इट्स ऑन करेंसी ओवर वैल्यूड के नतीजे में हमने देखा था कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो डिमांड को इनक्रीज़ कर दे गवर्नमेंट ख़ुद उसका मुलाक सेंट्रल बैंक वो उस करेंसी का जो डिमांड में कमी उसको उसको वो पूरा कर दे उसको ख़रीद ले डिमांड में इजाफा कर दे अपनी करेंसी ख़रीद ले दिस इज डन बाई द नेशन सेंट्रल बैंक यूजिंग इट्स ऑफिशियल रिजर्व एसेट टू बाई द डोमेस्टिक करेंसी इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट कि वो अपने ऑफिशल रिज़र्व को यूज़ करे और अपनी जो है करेंसी की डिमांड में इजाफ़ा कर दे ऑफिशियल रिज़र्व एसेट्स इंक्लूड गोल्ड फॉरन बैंक डिपॉजिट्स स्पेशल एसेट्स क्रिएटेड बाई द एजेंसीज लाइक द आई एम एफ की जो हैं तो इनके जरिए से वो अपनी करेंसी को ओपन मार्केट में खरीदता है और उसकी डिमांड में इजाफ़ा करके वो वो गैप उसको पूरा कर देता है द डिक्लाइन इन द ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स इज इक्वल टू द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट तो ऑफिशियल रिजर्व में जितना डिक्लाइन होगा दिस दिस विल बी इक्वल टू द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सो अ अंट्रीज कैन नाट मेंटेन एन ओवर वैल्यूड करेंसी फॉर एवर एड इट विल रन आउट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व एसेट्स ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ये सोल्यूशन हो सकता है कि वो जो एक्सेस सप्लाई थी उसको ख़त्म करने के लिए वो अपनी करेंसी की डिमांड बैंक सेंट्रल बैंक खुद कर ले अपने ऑफिशियल रिजर्व्स की मदद से अपनी करेंसी खरीद कर मार्केट को वो कवर कर ले। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द लॉन्ग रन क्योंकि उसके नतीजे में उसके रिज़र्व फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पर स्पेकुलेटिव रन और स्पेकुलेटिव अटैक मे एंड द अटेम्प टू सपोर्ट द एन ओवर वैल्यूड करेंसी कि ये जो अपनी करेंसी की डिमांड वो पैदा करके और डिमांड करके खुद सेंट्रल बैंक उसको ओवर वैल्यू रख रहा था तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फिर क्या होगा इन्वेस्टर्स थिंक का करेंसी में सून भी डीवैल्यूड तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को फ़ॉरन जज कर लेंगे कि ये ओवर वैल्यूड करेंसी है और इट कैन नाट बी प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा लंबे अरसे के लिए सेंट्रल बैंक इसको इस लेवल पर मेंटेन नहीं कर सकता इसकी वैल्यू कम होनी है तो फिर वो क्या करेंगे दे मे सेल एसेट्स डिनिनेटेड इन दर वैल्यूड करेंसी ठीक है उसके नतीजे में इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ दैट करेंसी इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो वो बेचना शुरू कर देंगे और उसके नतीजे में उस करेंसी की सप्लाई में इजाफा हो जाएगा दिस काज इवन बिगर लॉस जब और सप्लाई में इजाफा होगा तो सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा सो इवन बिगर लॉसिस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व फ्राम द सेंट्रल बैंक एंड स्पीड ऑफ द लाइकलीवुड ऑफ़ डिवेल्यूशन तो वो गैप बढ़ जाएगा अब उसको सेंट्रल बैंक को उसको पूरा करने के लिए और ज़्यादा ऑफिशियल रिजर्व ख़र्च करना पड़ेंगे तो जाहिर है उसके नतीजे में फिर और चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसकी डिवेलुएशन अब हो जाएगी ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी जैसे आज मिन नकर्ड इन मेक्सीको एंड एशिया नाइनटीन नाइन्टी फोर में मेक्सीको में ये हो चुका है और इसी तरह एशियन इकोनॉमीज़ में नाइनटीन नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट में ऐसा हो चुका है सो दस एन ओवर वैल्यूड करेंसी कैन नॉट बी मेनटेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड स्पेकुलेटिव ब्रांड जिसे हम कहते हैं कि जब वो इन्वेस्टर्स इस बात को जज कर लेंगे कि ये ओवर वैल्यूड करेंसीज हैं और वह फिर उस आ, उस ओवर वैल्यूड करेंसी को बेचना शुरू कर देंगे उसकी सप्लाई में इजाफ़ा हो जाएगा तो पहले सप्लाई का गैप ए बी था तो इस स्पेकुलेटिव ब्रांड की वजह से यह गैप बैठ ए से इसमें इतना इजाफा हो जाएगा तो सेंट्रल बैंक को इसको मेंटेन करना और मुश्किल हो जाएगा ओके सिमिलरली इन द केस ऑफ एन अंडर वैल्यूड करेंसी इसका अपोजिट अगर केस है, मतलब है कि एक करेंसी अंडर वैल्यूड है द ऑफिशियल रेट अंडर वैल्यू का मतलब ये है कि ऑफिशियल रेट इज लेस दैन द फंडामेंटल वैल्यू इन दिस केस द सेंट्रल बैंक ट्राइंग टू मेनटेन द ऑफिशियल रेट विल एक्वायर ऑफिशियल रिजर्व एसेट जब ओवर वैल्यूड थी तो उससे ऑफिशियल रिजर्व खर्च करके उस डिमांड एंड सप्लाई को बराबर करना पड़ रहा था और जब अंडर वैल्यू है तो इसके नतीजे में उसके ऑफिशियल जो रिजर्व्स जीज़र्वस में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा ओके सो इफ द डोमेस्टिक सेंट्रल बैंक इज़ गेनिंग ऑफिशियल रिज़र्व एसेट्स फॉरन सेंट्रल बैंक मस्ट भी लूजिंग दैम उदाहर अगर एक मुल्क के ऑफिशियल जो रिज़र्व हैं उसकी करेंसी जो है अंडर वैल्यूड है और उसके नतीजे में उसके ऑफिशियल रिज़र्वस में इजाफा हो रहा है तो इसका Uh, दूसरा ऐसा क्या होगा कि जो उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऑफिशियल रिजर्व्स में कमी होगी तो ये भी ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं होगी उनका प्रेशर होगा कि आप अपनी करेंसी की को मार्केट वैल्यू पर वापस लाएं सो दिस कैन आल्सो नॉट बी मेंटेन इन द लॉन्ग रन इस इस सूरत हाल में जब कोई करेंसी अंडर वैल्यू होती है उसके भी डायग्राम से आप समझ लें कि जो मार्केट फोर्सेज जो डिटर्मन कर रही हैं वो ये वाला जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा है लेकिन अगर उसका ऑफिशियल एक्सचेंज रेट उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो करेंसी है ये अंडर वैल्यूड है ओके तो so इसके नतीजे में ये जो गैप है ये उसके ऑफिशियल रिजर्व में सेंट्रल बैंक में उसमें इजाफा हो जाएगा इस अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट की वजह से ओवर वैल्यूड की वजह से मेंटेन करना इसलिए मुश्किल है उसके तो ऑफिशियल रिजर्व्स कम होते चले जाएंगे और अंडर वैल्यू को इसलिए लंबे अरसे तक नहीं रखा जा सकता कि इस मुल्क के तो ऑफिशियल रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है लेकिन इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऑफिशियल रिजर्व्स में कमी हो रही तो दाहर है वो वो फिर मजबूर करेंगे कि हम अपने एक्सचेंज रेट को फिर मार्केट रेट पर लेकर कर आएँ ओके थैंक यू